सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मैं शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित श्री सभापति महोदय अन्य पादगण समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजी प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज श्री भक्ति प्रमोद नित्यलीला प्रविष्ट भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज के तिरभा महामहोत्सव को हम लोग सबके सब उपलक्ष्य करते हुए यहाँ पर उपस्थित हुए। इसमें विशेष करके ये कार्तिक महीना में जिस महीना की अधिष्ठात्री देवी स्वयं ऊर्जेश्वरी कार्तिकेश्वरी श्रीमती राधा रानी और इसी महीना में किसकी तिरभा महामहोत्सव, ये बड़े सौभाग्य का दिन, ये बड़े सौभाग्य का ये विषय है। इसलिए जितने ये प्रभुपाद की गाने हैं ये लोग कोई साधारण नहीं है, इसलिए सबके सब कौन है, इसलिए ये प्रभुपाद है कौन, जिसको श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज कहते हैं वृषभा नो सुता पुरी गोस्वामी महाराज को द्वारा किया गया। ये कौन थे? उन्होंने
ये जो नदिया प्रकाश जो मैं जो पत्रिका निकलता था इसका ये एडिटर थे। इसलिए प्रभुपाद ने इसलिए बताया तीन मृदंग है, एक साधारण मृदंग, एक बृहत मृदंग और एक है जीवंत मृदंग। जो बृहत मृदंग में इनकी जो अवदान ही अपूर्व है। इसलिए हमारे भक्ति बुद्धे श्रौती गोस्वामी महाराज इसी विषय पर कहते हैं, जब हमारे गुरुदेव ने सब वेदांत सूत्र को ग्रंथों को निकाले और भक्ति विलास श्री तीर्थ महाराज भी कहते हैं, कहते जगत में सबसे बड़े दानी कौन है, वो कहते हैं तव कथा अमृता सबसे बड़े दानी जो कृष्ण कथा को दान करते हैं। लेकिन उसी कृष्ण कथा को जो चिरस्थाई रूप में ग्रंथ रूप में जो रख करके जाते हैं, उनसे भी बड़ा दानी है ये ग्रंथ रूप में जिन्होंने ये चिरस्थाई रूप में कृष्ण कथा को रख करके गए। हमारे भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज इन्होंने जो नदिया प्रकाश प्रभुपाद का समय में जो ग्रंथ निकलता था इसका ये एडिटर थे, एडिटर थे। इसलिए प्रभुपाद ने पहले कोशिश की, क्या कोशिश की, उन्होंने वार्षिक पत्रिका निकलता था, उन्होंने मासिक की पत्रिका निकाली, उन्होंने साप्ताहिक, बल्कि ये भी काफी नहीं, जैसे हम लोग सवेरे उठते ही घर घर में जाकर के ये न्यूज पेपर जाता है लोग पढ़ते हैं, प्रभुपाद ने हमने दैनिक नदिया प्रकाश उन्होंने प्रिंटिंग किया जिसको बृहद मृदंग है। इसलिए इसमें एडिटर हमारे भक्ति प्रमोद श्री पुरी गोस्वामी महाराज का एडिटर थे। मतलब इन्होंने कितने प्रभुपाद को कहते थे, मैं जो सुना है वो कहते थे, वो जब तक जीता रहे प्रभुपाद इनकी बनाए थे एडिटर, बोले कभी हाथ बंद नहीं होनी चाहिए, जब अंतिम समय में वो लिख नहीं सके वो कहा करते थे, मेरे पास में कितने कथा मेरे पास में, अगर कोई लेखक को बताना मैं चाहता था इसी समय में भी ये ग्रंथों को बता सकता हूँ। इसलिए यदि ग्रंथों को ऊपर में इतने अवदान ग्रंथ को ऊपर में अगर किसी ने हमारे भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज मेरे गुरुदेव जब वही ग्रंथ प्रकाश करते थे इनको कोई बोले महाराज जी आपको जो चाहिए वो प्रसन्न होकर कहते थे मेरे को भक्ति श्री लोग सिद्धांत गोस्वामी का कोई ग्रंथ अगर दे सकते हो ये मेरी भविष्य है। कोई ग्रंथ मेरे दान दो, हमारे भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जब कोई ग्रंथ प्रकाश करते थे वो इनको पास में भेजते थे, वो इतने प्रसन्न होते थे, ये प्रभुपाद के बहुत बड़ा अभिष्ट है। प्रभुपाद यही चाहते थे सारा दुनिया में ये ग्रंथ प्रकाशित होकर के सारा दुनिया में गौरवांश है, सारा दुनिया में ये प्रकाशित हो उनकी अभिष्ट है। इसलिए महा कुंती कहती है बोले जन्म रेतमान बदगुमान, कहते कृष्ण कहते अगर इस बात में चार गुण होना वो भजन नहीं कर सकता है, लेकिन उसमें अगर एक भी गुण हो भजन नहीं कर सकता, लेकिन अगर देखे ये महापुरुष के अंदर में ये चार गुण परिपूर्ण रूप में था, जैसे जन्म ये कौन सा गुण की जन्म हुई, ब्राह्मण घर में जन्म हुई, जन्म हुए कहाँ पर, पूर्व बंगाल में जन्म हुए, बोले ये पूर्व बंगाल है क्या जी, जिस समय से नरोत्तम दास ठाकुर आए महाप्रभु अपना प्रेम को ये पद्मा नदी में रख कर गए थे, भले एक बहुत बड़े महापुरुष आएगा ये प्रेम उनको देना, भले पता कैसे चले, भले उनका चरण स्पर्श होते ही अपनी आप को उफन लग जाओगे, जब नरोत्तम दास ठाकुर आए जो पानी अपने आप उफना, उसी समय में एक हवा आई थी पता उसको टच करते हुए जिस दिशा में चली गई सारे गुरु वर्ग हमारे जितने प्रभुपाद का गण अक्सर कर उस देश से आए, ये हमारे भक्ति प्रभुपाद पूरी गोस्वामी महाराज भी वो उधर से ही आए। इसलिए जो जन्म ही की है ब्राह्मण कुल में श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म, ऐश्वर्य पहले इन्होंने ऐश्वर्य प्रकाश नहीं किया,
बल्कि नहीं, हमारे जितने बड़े गुरु भाई लोग जितने भी इनकी सीनियर थे, लेकिन सबका सम्मान लेते थे सबको, भले ये लोग दीक्षा मंत्र दे रहे मुझे क्या जरूरत है, लेकिन वो अंतिम समय में दीक्षा मंत्र संन्यास दिया। लेकिन वास्तव रूप में अंतिम समय में इन्होंने जो ऐश्वर्य उन्होंने प्रकाश किया है, कितने इनके शिष्य, कितने मंदिर, फिर कितने सन्यासी उन्होंने बनाए, अक्सर करके प्राय करके संन्यास दिखाई पड़ता है, लास्ट के समय में इनसे दीक्षा मंत्र उन्होंने संन्यास लिया और उन्होंने गोविंद गोपीनाथ को उन्होंने स्थापन किया। अभी सोच रहे गोविंद गोपीनाथ प्रकट हुए, मदन मन कैसे प्रकट हुआ, इनको पास में मदन मन अपनी आप ही मदन मन इनको पास में आए, अपने आप मदन मन इनको पास में आए। इसलिए जन्म ऐश्वर्य श्रुति, श्रुति मतलब होता है ज्ञान। आप जो इनकी हरि कथा सुने उनको पता होगा इनके अंदर में क्या ज्ञान है। महाप्रभु जो कहते हैं सकल प्रमाण दिवे पुराण वचन, बिना वचन पुराण की वचन के जब तक शास्त्र की कोई आप कोटेशन नहीं करते तो कैसे नहीं हरि कथा, अपनी मनमानी आप कथा और बाप कथा जो रह गया वो हरि कथा बोलते नहीं। महाप्रभु का सिद्धांत है जब कोई चीज प्रमाण दो बगैर शास्त्र के कोई प्रमाण नहीं देनी चाहिए। अगर इनकी जो हरि कथा सुना बड़े गदगद होकर के समस्त शास्त्र की सिद्धांत तत्व दर्शन को साथ में ये हरि कथा बोलते थे। और श्री श्री मतलब होता है सुंदरता, जो इनको देख के आपको पता है कितने देखने में कितने सुंदर देखने में थे। इसलिए उन्होंने जो उन्होंने जगत में महाप्रभु का वाणी जगत में उन्होंने जो संपूर्ण विश्व में बैठ बैठ करके संपूर्ण विश्व में उन्होंने जो वाणी प्रचार की अद्भुत है। अभिशेष कर उन्होंने एक ग्रंथ लिखे वैष्णव का, इस चीज पर उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि 10 तरह का नामापराध में पहला अपराध वैष्णव अपराध। इसलिए शास्त्र कहता है अनिंदु कहैया जो संकृत कृष्ण बोले अजय चैतन्य से तारीफ कहले कहले ना कर निंदा कृष्ण कृष्ण बोले। इसलिए उन्होंने जो वैष्णव गीता के ऊपर में इन्होंने जो ग्रंथ गीता निकाले ना, भले भैया दवा तो बड़ी मीठी है हरे कृष्ण महामंत्र, लेकिन जब तक वैष्णव निंदा के ऊपर में हम ध्यान नहीं देंगे, पानी तो कलश में भरते हैं लेकिन अगर निकल जाएगा तो गया। इसलिए इसी विषय पर इन्होंने ये वैष्णव अपराध के ग्रंथों को निकाले, अद्भुत है ये ग्रंथ, हम सबको पढ़नी चाहिए, क्योंकि वैष्णव अपराध से रहित तो होकर के अगर थोड़ी हरि नाम कहते तभी फल प्राप्त हो सकता है। आज इनकी कृपा महोत्सव उन्होंने जिस विषय पर हमें सावधान किया है, जिस शिक्षा को दिया, अगर जीवन में इसको अगर हम उतार पाए तो समझो हमारे जीवन में धन्य हो जाएगा। वो हम सबको ऊपर भी कृपा कर जैसा हमारे कभी वैष्णव अपराध नहीं हो। वंशा कल कर वैसा कृपा श्रीमद भक्ति प्रमोद।